तो जहाँ से वो टूटा हुआ नहीं है उसके साथ हुआ था जीन का। उन्होंने गिराया ये 3 दिन बाद बिल्कुल उसी जगह पर आ गया था। तो अगर हम लोग अंदर जाके कोई फुटेज वगैरह बनाएं? नहीं वो नहीं काम करेगा, गलत हो जाएगा काम। और इसके अलावा ये जो काला महल है इसमें आज भी हवाई चीजों का बसेरा है, ये देख लें आप, उजड़ा हुआ है सारा। आज भी यहाँ पे चीजों का बसेरा है, बसेरा और किसी आदमी को वो बसने नहीं देती, इसीलिए ये वीरान फिरान है। ये साथ मेरे रहते हैं सही शाह साहब थे, उन्होंने हवाई चीजों को बकायदा तौर पे देखा हुआ है। जी नाजरीन, मैं हूँ तलहा नवीद, आज मैं मौजूद हूँ काला महल में। ये काला महल जो है खौफ की अलामत समझा जाता है इस इलाके में, क्योंकि आबादी वालों का कहना है यहाँ पर किसी ज़माने में हज़ारों साल पहले जिन्नात आबाद थे, जिन्नात का बसेरा था, कुछ लोग यहाँ पे काला जादू करते थे। जो जिन्नात उन्होंने कैद किए हुए थे वो इस काले महल में रहते थे, इस वजह से ये अभी तक हज़ारों सालों से वीरान पड़ा हुआ है। लोग आबादी वाले यहाँ पर आने से भी डरते हैं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पर अगर देखा जाए तो परी महल है, जहाँ पर कहा जाता है कि परियां आबाद थी। सामने परी महल और उसके सामने काला महल। परी महल में तो लोग आबाद हो गए, लेकिन काले महल में क्यों लोग आबाद नहीं हुए, यहाँ के आबादी वालों से जानते हैं आए। तो परी महल में मैं मौजूद हूँ, ये देखें ये सारे कमरों को ताला लगा हुआ है और ये खौफनाक सी सीढ़ियाँ जो कि ऊपर तक जा रही हैं, अगर देखा जाए बहुत ही खौफनाक सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि मुझे तो ऊपर जाते हुए खौफ आ रहा है। और दूसरा, कुछ फैमिली ऊपर आबाद हैं, नीचे रहना बेहतर है। कमरों को सारे ताला लगा, इसी तरह 101 कमरा इस महल का है। ये बच्चे देखें, बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन ये काले महल में नहीं जाते, ये सिर्फ परी महल में घूमते हैं। ऐसे ही है बच्चों, डर लगता है काले महल में जाने से? जब जी जो से अभी बिल्ली नीचे उतर रही है, हाँ, जब हम चल जाते रहा और यहाँ पे ऐसे हो रहा, शाम के 2:30 बजे बिल्ली वहाँ को जा रही, उसके ना सारे उसके ना पूरा जिन आएगा, और ये पूरा बिल्ली के अंदर जिन आ जाता है। तो यहाँ पे आप आते हो, आपको डर नहीं लगता? यहाँ मैंने देखा हुआ पूरी वीडियो असल पर, यहाँ पर मैं अपने दोस्त के साथ। आपको किसने बताया कहाँ पे जिन्नात, कहाँ पे बाद है? मुझे तो कहीं पे नजर नहीं आया अभी तक। वो टूटा हुआ नहीं है, उसके साथ हुआ था जिन का, जिन्नात का दरवाजा उनके साथ है। अच्छा, देखते हैं हम। तो बच्चे के मुताबिक यहाँ पर जिन्नात आबाद हैं। ये बच्चा बता रहा है कि बिल्लियाँ जो हैं इंसानी रूप इख्तियार कर लेती हैं। तो मेरे साथ आबादी का एक और बच्चा मौजूद है, बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम महत। महत, कितनी देर से यहाँ पे आप आबाद हो? हमें हमारी आने वाली कम से कम 3 पीढ़ियाँ वो यहाँ पे, वो यहीं पे आबाद हैं। कोई किस्से कहानियाँ, कोई वाकये सुनाए हो आपको ये काले महल के बारे में? जब ये काला महल का दरख्त, ये घर की तंगी की वजह से इसकी साथ शाखा थी, इसको गिराया गया था। तो साथ वाले घर को परेशानी थी? हाँ जी, उन्होंने गिराया ये 3 दिन बाद बिल्कुल उसी जगह पर आ गया था। इतना ऊंचाई में दोबारा आ गया था? ऊंचाई में दोबारा ना चुका बड़ा, यानी यहाँ पे कोई हवाई चीजें वगैरह आबाद है, बसेरा किया हुआ है उन्होंने। इनको तंग नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करते। आप लोगों ने भी कभी नहीं किया? या उन्होंने आप लोगों को तंग किया? ये मोहल्ला वैसे भी रहना है, इधर कभी नहीं तंग हुआ, इसके अंदर जो जाएगा वो तंग हो जाते हैं। तो अगर हम लोग अंदर जाके कोई फुटेज वगैरह बनाए? नहीं वो नहीं, काम गलत है, गलत हो जाएगा काम। चले, बहुत शुक्रिया। ओके, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो वाकयात है परी महल और काला महल के बारे में, क्या वाकयात है आज तक मुझे समझ नहीं आई। ये बेटी, ये काला महल है वो परी महल है, ठीक है। ये दरअसल में ना मोहल्ला सराफों का कहलाता है, ये एक हिंदू की प्रॉपर्टी थी, बाकी सारे इधर मुलाजम थे, ठीक है, मुलाजिम थे। 3 गेट लगे हुए हैं इसमें आज भी, 1, 2 और 3, तीनों तरफ, ठीक है। उसमें चौकीदार का साथ घर होता था, ठीक है। ये उनकी प्रॉपर्टी थी सारी की सारी परी महल, आज भी उनके नाम पे, अगर पुराने कागजात मतलब आप निकालेंगे ना तो उनके नाम पे ही निकले, उनके नाम पे ही है, उनके नाम ये आज तो हजारों साल पहले उनके प्रॉपर्टी थी, बावजाद थे, ठीक है। वो दरगर थे उस वक्त, वो इंग्लैंड से लकड़ के जहाजों में सोना मंगवाते थे और वही रेट निकालते थे इधर के लाहौर, अमृतसर, दिल्ली और मुंबई में। सोने का रेट ही वो निकालते थे, इतने वो अमीर लोग थे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो काला महल है,
इसमें आज भी हवाई चीजों का बसेरा है, ये देख लें आप, उजड़ा हुआ है सारा, इसमें कोई बसेरा नहीं है। अच्छा, सुनने में बस रहा है, सुनने में आता था कि परी महल में परियां रहती थी, काले महल में परियां नहीं रहती थी, परी महल के ऊपर परियां बनी हुई थी जिनकी हिंदू लोग पूजा करते थे, पूजा करते थे। हाँ, जब ये परी महल बन गया, वो लोग चले गए यहाँ से, तो वो इन लोगों ने गिरा दी थी, परियां गिरा दी जिनकी पूजा करते थे। काफी तादाद में परियां बनी हुई थी, काफी तादाद। कितने कमरे हैं परी महल के? परी महल के 101 बाई स्टेप बाई स्टेप सीढ़ी है, 101 इसका डोर है, 101 इसकी खिड़की है। तकरीबन 35 से 40 कमरे हैं इसके। जिसने जगह खरीदी थी वो कि मुस्लिम था? नहीं, ये जगह तीन लोगों ने खरीदी थी, अभी एक ही मालिक है। अब एक मालिक है, अभी एक मालिक। वो यहीं पे रहते हैं कि वो यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। अच्छा, काला महल है ये अभी तक वीरान है, यहाँ पे क्या चीजों का साया था, कोई काला जादू वगैरह होता था, क्या चीज थी, मामला थे इसको? वो जो हिंदू लोग यहाँ से गए थे ना, ठीक है, वो अपनी पूजा वगैरह, ये वो सिस्टम उनका अपना होता है, वो करवाते वगैरह थे ना, उनकी वजह से आज भी यहाँ पे चीजों का बसेरा है, बसेरा। और किसी आदमी को वो बसने नहीं देती, इसीलिए ये फिरान है। तो यहाँ पे जो आबादी में लोग रहते हैं, कभी कोई हादसा वगैरह कोई वाकया देखा हो? देखा गया, ये साथ मेरे रहते हैं सही शाह साहब थे, उन्होंने हवाई चीजों को बाकायदा तौर पर देखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास वो, आपके पास आंख नहीं है वो देखने वाली, वरना ये चीजें हैं, क्योंकि कुरान कहता है कि ये चीजें हैं, ठीक है ना। अगर कल कोई हिसाब होना है ना, हमारा इंसानों का होना है, ठीक है, और जिन दियो चड़ेले और परियों का होना है, ये कुरान कह रहा है, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है ना। और मजहब भी इन लोगों पे वारद किया गया, हम पे जिन दियो और परियों पे चड़ेलों पे, ठीक है ना, इनका हिसाब होना है, और किसी का कायनात में हिसाब नहीं होना, और मजहब भी हम पे वारद किया गया है। अक्सर कुछ आबादी वाले कह रहे थे कि यहाँ पे चीजें देखने को भी कभी मिलती हैं, खरी होती हैं, उनको कहा जाता है जाए तो वो चली जाती हैं। हमें कोई चीज़ यहाँ पे तंग नहीं करती, ठीक है, बसेरा ज़रूर है, लेकिन इधर किसी को रहने की इजाज़त नहीं। जो लोग इधर रह रहे थे ना, वो हादसाती शिकार हो गए हुए थे, नफसियाती तौर पे वो गुम गए हुए थे, ठीक है, इसलिए वो छोड़ के चले गए हैं इसको, इसीलिए वरान पड़ा है। तो अब यहाँ पे परी महल में लोग आबाद हैं? परी महल में लोग खुश हैं, खुश हैं, कोई मामला उधर पेश नहीं? मामला होते हैं, लेकिन वो ज्यादा नुकसान नहीं देते, नुकसान देने नहीं होते, बिल्कुल, क्योंकि ये आबादी काफी पुरानी है, जिस तरह बिल्डिंग बनी हिंदुओं की, जिस तरह की बिल्डिंग बनी। एक बात आप सुन लें कि जिधर जिधर दरिया चल रहा है ना, या दरिया के साथ जिधर जिधर भी आबादी है ना, वो पुरानी आबादी होगी, क्योंकि आज से आप 100 साल पीछे चले जाएं, लोग दरियाओं से पानी लेके आते थे, ठीक है ना, उस वक्त नहरें भी नहीं होती थी, दरियाओं पे दुनिया आबाद थी। इसे तोड़ के दोबारा क्यों नहीं बनाया गया बिल्डिंग को, बाकी जितनी भी आसपास की बिल्डिंग्स है? ये जो परी महल है ना, इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी 18 फुट की, 20 फुट की, 24 फुट की दीवार है, 24 फुट की दीवार है, और इसके अलावा इसमें कंक्रीट भरी हुई है, और लोहा और सरिया इसमें गार्डर बेशुमार लगा हुआ है, इसलिए इसको गिराने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी हर 2-3 साल के बाद मरम्मत की जाती है। आसपास कहीं पे मंदिर भी आबाद था यहाँ पे? यहाँ पे बाहर निकले तो मंदिर एक आबाद था, लेकिन जिस वक्त उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई है ना, उसके बाद इन लोगों ने सारा वो गिरा दिया था, मंदिर वगैरह, मंदिर गिरा दिया, फिर गिरा दिया। दो मंदिर थे, एक इस तरफ था, एक इस तरफ था बांध की तरफ, दोनों मंदिर गिरा दिए गए थे जब बाबरी मस्जिद का हादसा हुआ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये परी महल की बिल्कुल बैक साइड है, यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आबाद हो चुके हैं, क्योंकि इस परी महल के तकरीबन 101 कमरे हैं। अब ये जो मलकियत है किसी मुस्लिम की है, यहाँ पर जो परियों के मुजस्मे थे वो उतार दिए गए, जिसकी हिंदू पूजा करते थे, मुसलमान जब यहाँ पर आबाद हुए। लेकिन काला महल अभी तक वीरान है, लोगों ने जो राय दी आबादी वालों ने, उसके मुताबिक साफ पता लगता है कि काले महल में अभी तक असेब मौजूद हैं, और उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है, और किसी को यहाँ पर बसने नहीं दे रहे। लेकिन परी महल में लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन काले महल की तरफ अभी भी लोग नहीं जाते। अगर आप काले महल या परी महल की कहानियों को लेकर कुछ आप लोगों के जहन में है, तो कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।